हेलो डियर फ्रेंड्स। सो फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, फाइनली आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? सचिन सचिन। कहाँ से हो? अलवर से, अलवर, राजस्थान। राजस्थान के शेर से मिलाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चे। और एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज कितना दिन हो गया बेटा तुम्हें यहाँ पे? 25 दिन हो गए सर। 25 दिन हो चुके हैं। एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए आए थे ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करने के लिए। क्या फायदा हुआ जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं? बेटा एक बार प्लीज सारी चीजें बता दो कि भाई सच में घर पर और यहां में अंतर क्या होता है। सर यहाँ पे आने से पूरी हेजिटेशन है ना, वो पूरी खत्म हो गई मेरे अंदर। शुरू में 1-2 दिन में बोल नहीं पाया, अब तो कुछ भी पूछ लो। कितने टॉपिक्स बेटा कर लिए? 40 हो गए टॉपिक सर। 40 टॉपिक पर आप कहीं से भी कुछ भी किसी भी तरह की डिबेट पार्टिसिपेट कितना भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना बेटा? मैंने कैसे क्लास ली आपके? रेगुलर सर 3-4 सुबह से शाम तक कितनी चले। बार आपका डिबेट कर चुके होंगे? कितनी बार कम से नंबर आ कम गया होगा? कम पचास से कम, साठ 40-50 बार। कम से कम 50 से 60 बार डिबेट ये हर कर चुके हैं टॉपिकों पर हर बार, ठीक है ना? हर एक टॉपिक पर 2 से 3 बार डिबेट कर चुके हैं। और बेटा ये बताओ, रहना खाना कैसा है एक आपका? नंबर है सर, खाना एक चलो, घर की तरह मिलता घर है। की तरह खाना, एक नंबर खाना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये हर बच्चे ने बात बोली है। बेटा यहाँ की टीम कैसी है? एक नंबर है सर, कुछ सबका ध्यान रखते हैं, बेटा हमारा बिहेवियर बच्चों के प्रति फ्रेंडली है बिल्कुल ऐसा सर। तो नहीं कि खाली बस नहीं आपसे नहीं नहीं फीस सर, छुड़ा ली और उसके बाद कोई सुन नहीं रहा ये है? जो फोन पे बोलते हैं ना वो सेम ही होता ही है पे, वो ऐसा बताते नहीं हुआ हैं। हमने कि बस बच्चों से फीस ली उसके बाद भाड़ में जाओ। हर चीज का इस बार ख्याल रखा बिल्कुल भी, पूरे दम से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ये सब बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि 111 बच्चे अभी तक आ चुके हैं, उनमें से कोई भी वापस नहीं हुआ। सब लोग अपना पूरा बैच पढ़ के गए, कमी होती तो वो वापस चले जाते, ये बहुत बड़ी बात होती है, याद रखिए इस बात का। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं, पढ़ाई से फायदा केवल इतना नहीं है कि आप घर पर पढ़ रहे हैं, आपकी हेजिटेशन दूर होती है, आपके पास इतना कंटेंट हो चुका होता है, रिलीवेंट कंटेंट होता है। मैं आपसे बस केवल इतना कह रहा हूं कि 15 से 20 दिन भी आप आ रहे हैं मेरे पास, 20 से 25 दिन आप आ रहे हैं, अभी 30 दिन का समय है, 40 दिन अभी बचे हुए हैं। जनवरी में स्टार्ट होगा फेज सेकेंड, लास्ट वीक में, ये बिल्कुल ऑफिशियली आपको बता रहा हूं, 5 से 6 फरवरी तक चलेगा जीडी, और उसके बाद मेडिकल स्टार्ट होंगे। अभी भी आपकी घर पर तैयारी नहीं हो रही, आप सीधे आइए सुधीर डिफेंस अकेडमी बेटा। और आप क्या कहना चाहोगे फाइनली? नहीं, सर यहाँ पे आने से मेरी जैसे आप डिबेट में बोलोगे तो कैसे ने बताओ, किसी टॉपिक पर कैसे पार्टिसिपेट करोगे? एक बार ना बेहतर तरीके से इंट्रोडक्शन 1 मिनट का इंट्रोडक्शन राउंड सुनाओ, कैसे बोलना होता है। डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। माय नेम इज सचिन डांगी, आई बिलोंग्स टू अलवर, लोकेटेड इन राजस्थान। आई हैव 12th पास एंड माय फादर इज ए फार्मर एंड अबाउट द टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं, अबाउट द टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू वुमेन एम्पावरमेंट इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन आवर नेशन, और व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट फॉर ए डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। डियर ऑल फ्रेंड्स, एज वी नो दैट एवरी फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेन एम्पावरमेंट इज ए वे बाय विच हाउ वी कैन स्ट्रेंथ वुमेन इन आवर सोसाइटी एंड ऑल्सो एट वन साइड वुमेन एज कंपेयर्ड एज ए गॉडेज एंड अदर साइड वुमेन आर ट्रीटेड एज ए होर एंड ऑल्सो सर्व इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी women are considered as a second class citizen and there is a no legal status and there are mentally physically and sexually abusive long time and after educating women in our society and she will now get the right of opportunity and right of equality in our society। ओके सो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो हेजिटेशन आपको नहीं होती। ऐसा नहीं कि इसने एक टॉपिक पर सुनाया, किसी भी टॉपिक पर ये सुना देगा आपको। आप लास्ट के अभी 1 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है, आप घर पर बैठे हुए हैं फेज सेकंड के लिए, आप केवल 20 दिन मेरे पास आ जाइएगा, आपको सारी हेजिटेशन, 40 से 50 टॉपिक्स, और सबसे बड़ी बात आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आपको जो हेजिटेशन होती है कि सर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। बेटा पापा क्या करते हैं? फार्मर है सर। एक बार आप जोर से कह दीजिए कि किसान का बेटा इस बार एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। किसान का बेटा इस बार एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। कहाँ से हो? अलवर से, राजस्थान। अलवर वाले बच्चों से बोल दो कि घर बैठ के कर क्या रहे हो? घर बैठ के क्या कर रहे हैं अलवर वाला हाउस एसडीएम में आके? आ जाओ, ठीक है ना बेटा? सच बताओ, कोई हमने ऐसी चीटिंग करी का पैसा वेस्ट हुआ आपका? नहीं 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 सर, तैयारी का फायदा हुआ। हाँ लास्ट के 10 दिन आओगे? यस सर। ये 20 दिन पढ़ के जा रहे हैं, फिर से आएगा, कह रहा सर मेरा जब समय मिलेगा फिर मैं 10 दिन और आऊंगा उसको क्विक रिवीजन के लिए, मैं मैराथन की तरह डिबेट कराऊंगा लगातार क्लासेस। तो सारे बच्चे फिर से 10 दिन में लौट रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों का विश्वास जीतना, और उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ बच्चों के साथ, उन्हें ऐसा फील ना हो कि सर हम गलत जगह आ गए या मेरा पैसा फंस चुका है। सारा पढ़ाना आपको कंटेंट, सारा आपको डिबेट कराना 2-2 घंटे के लगातार बैचेस उसमें होना, ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं इन चीजों का हमेशा ध्यान रखता हूँ। और इस बार एयरफोर्स ज्वाइन करना है? यस सर, 100%। एक बार कह दीजिए, इस बार 100% एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। 100% एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा। चलिए मिलने आओगे फिर? यस सर जरूर। चलो, और कितने बच्चे राजस्थान से आए आपके साथ में?
पांच छह बच्चे हो रहे हैं, पांच छह बच्चे भी हैं राजस्थान से और कुछ जा चुके हैं वो भी आए थे सारे बच्चे, कोई दिक्कत मान लीजिएगा। बाकी प्यारे बच्चों किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है अभी भी एक महीने का समय है, आप सीधे आ रहे हैं, आप आ जाइएगा, न्यू बैचेस हैं प्रॉपर। बाकी फेस सेकंड की गारंटी मेरी है, फीस रिफंड कर दूंगा यार फेस सेकंड क्लियर नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद। जय हिंद सर।